ज एनवायरमेंट इकोलॉजी और एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर भी यूपीएससी ना और स्पेसिफिक जाता है कि एनवायरमेंट इकोलॉजी को बचाने वाली जो एजेंसी है और उनके पास मुझे टूल अवेलेबल है उनके पास मतलब, टूल्स इन देंस कि उनके आरसन एल के अंदर कौन सा वेपन है कि किस समय किस तरीके से इन्वायरमेंट बचाना है वो सारी चीजें यूपीएससी की फेवरेट हो जाती है एक तो आता है इन्वायरमेंट इकोलॉजी तो हम साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं राइट किस स्पीशीज कैसे डेवलप होती है क्या है ना वट इज वट इज अ पॉपुलेशन है ना व्हाट इज एको सिस्टम वट इज अ बायोम एक तो वो वाला पार्ट है पॉल्यूट एंड पोल्यूशन कितने टाइप का ही सब सब कुछ आता है एक फिर उसका पार्ट आता है कि कितनी कन्वेंशन हो चुकी हैं है ना किस कन्वेंशन में क्या पर्टिकुलर चीज है राइट और आपके पास में इंडिया में और वर्ल्ड वाइड कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं राइट जो एनवायरमेंट के ऊपर काम करती हैं राइट जिसके पास में कुछ हद तक कुछ ना कुछ पावर्स हैं राइट जैसे आपका रेड रेड प्लस यू एन एफ सी सी राइट इसके आपका डब्ल्यूफ e, इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन आपकी रेलिवेंट रहती हैं वैसे ही आज जो पर्टिकुलर चीज रेलिवेंट है वो है आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट राइट 2002 का ये एक्ट है जिसके अंदर 2023 के अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं वो लागू की गई इसके अंदर राइट right? वो जो अमेंडमेंट्स हैं वो कुछ कुछ गड़ तो वो जो अमेंडमेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा लेके आई है कुछ -कुछ ले अपने साथ में जिसके बाद में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जिस चीज के लिए आया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए और एनहेंस करने के लिए उसके थोड़ा अमेंडमेंटेंगे तो क्या, क्या है राइट आइए बच्चे देखते हैं अमेंडमेंट्स हैज अमेंडमेंट अ डिबेट कंसर्निंग बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एंड इंडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सिग्नेटरी टू दुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क ठीक है जी कुन, ंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क ये आ, ये मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क नहीं है ठीक है ये वो वो नहीं है जो आप समझ रहे हो ये मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क है ये रिसेंट फिन आई थिंक डिसंबर में हुआ था ये राइट ये कोई ज्यादा पुरानी चीज नहीं है कन्मिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क एक एक रिसेंट चीज है राइट आइए बच्चे देखते हैं मैं तो थोड़ा कंफ्यूज ना होया या कुमिंग इज अ सिटी इन चाइना और मॉन्ट्रियल आपको पता है आइए बच्चे देखते हैं कि कौन से अमेंडमेंट है जो अंडर स्क्रूटनी है राइट अंडर दिजिनल ओरिजिनल 2002 एक्ट देखिए बच्चे से इसको, उसमें क्या था अप्रूवल्स फ्रॉम दी एनबीए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे क्या चीज है जो रहा था कि अथॉरिटीज के ऊपर भी सवाल आते हैं अप्रूवल्स फ्रॉम दी एनबीए वर रिक्वायर्ड बिफोर देखिए जरा बिफोर अप्लाइंग फॉर आईपी राइट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटिंग रिलेटेड टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज राइट फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो आ, कोई जड़ी बूटी जो है आपको पता है कि यार इसमें पर्टिकुलर मेडिसिनल क्वालिटीज हैं आपने ढूंढी है वो जड़ी बूटी कहीं ऊपर हिमालय में जाके पहाड़ों में जंगल में नीचे साउथ में कहीं पे भी यू आप आपको पता लगा राइट right? और उसके बाद में पहले क्या होता था कि अगर आप उसको आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाना चाहते थे कि यार इसमें पर्टिकुलर क्वालिटी मैंने फाइंड करिए इसको मेरे नाम पे कर दो राइट right? कि मैं ही इस, इस पर्टिकुलर चीज का जो है यूज कर पाऊँ तो पहले आपको एनबीए की रिक्वायरमेंट होती थी कि वो आपको ऑथराइज करेगा कि अच्छा ठीक है तुमने करा ओके डन okay, कर लो इसको उसको आईपी दे दो या नहीं नहीं इसको आईपी नहीं देना जंगल की चीजें उसमें क्या होगा फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी बायोडाइवर्सिटी वाली चीज का आईपी लेते हैं आईपी लेने का एक ही कारण होता है मेनली राइट right? कि आप उसको कॉमर्शियली एक्सप्लॉयट करना चाहते हो तो एक बायोडाइवर्सिटी वाली चीज को जब आप कॉमर्शियली एक्सप्लॉयट करते हैं बच्चे तो वो एनवायरमेंट के लिए अच्छी चीज नहीं है राइट right? जैसे ऐसा नहीं है कि हनुमान जी ने जरूरत के हिसाब से संजीवनी बूटी ली और बस उतना रख दिया अगर किसी ने संजीवनी बूटी का आईपी करवा लिया है ना तो वो फिर संजीवनी बूटी आपको एमेजोन फ्लिपकार्ट पे बिकती हुई दिख जाएगी वो इतने भारी मात्रा के अंदर उसकी एक्सप्लोर्टेशन होगी ये प्रॉब्लम है इसके अंदर पिछले एक साल से मैं मतलब कुछ कुछ इन्वायरमेंट कुछ ना कुछ जो चीजें हैं वो आती जा रही हैं बट सो फार दिस वन इज द मोस्ट सीरियस थिंग दैट आई कुड फाइंड राइट मतलब आई कुड फाइंड नहीं जब दैट आई केम अक्रॉस राइट

द एक्जेम्पन ऑफ कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज ये देखिए बच्चे एग्जाम्शन ऑफ कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज फ्रॉम बेनिफिट शेयरिंग एंड स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी ओवरसाइट कोडिफाइडिज फर्दर कंसर्न मतलब कि ऑलरेडी वो मेडिसिन कोडिफाइड है उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया राइट ये कहने का मतलब है इसका ये भी एक कंसर्न है बच्चे तो आपके जो आयुष प्रैक्टिशनर्स है ना उनके पास में एक मौका है आयुष आपका आयुर्वेदिक यूनानी और वो वाला सिद्ध ये जो आ, वो मिनिस्ट्री भी थी आ, मिनिस्ट्री भी है अलग से राइट वो पर्टिकुलर चीज जो है वो पर्टिकुलर प्रैक्टिशनर जो है उनके पास में एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि इस चीज को जो है वो एक्सप्लॉइट कर सके दीज चेंजेस अंडरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग विच इज सेंट्रल टू बोथ ओरिजिनल एक्ट एंड नागोया प्रोटोकॉल नहीं पता नागोया प्रोटोकॉल क्या चीज है तो इसको सर्च कर लीजिए अपने रजिस्टर्स में अपडेट कर लीजिए ये मैंने यहाँ पे आपको जो है एक स्लाइड दे रखी है About Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. इसी को मॉन्ट्रियल uh, ग्लोबल बोलते हैं ये के के अंदर December 2022 के अंदर जो है आपका admit हुआ था, <coughs> right? इसके चार गोल्स हैं, 23 हैं तु, तु बी 2030, right? और किसके अंडर है ये पर्टिकुलर चीज इट इज अंडर CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी राइट जो कि इट्स लीगली बाइंडिंग ट्रीटी राइट right? और ये कब फोर्स में आई है सिंस 1993 बाकी इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन बच्चे आप यहां से पढ़ सकते हो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग पॉइंट सीरीज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर प्रम्स एग्जामिनेशन इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर होलिस्टिकली फॉर योर मेन्स एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू प्लीज चेक आउट अभिमन यू आई एस करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर it is based on trishul model you will be getting three things number one weekly classes number two weekly pdfs of current affairs number three weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.